Hello learners, I am Vinita Pant from Department of Psychology, Uttarakhand Open University, Haldwani. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं MAPSY 502 यानी कि जो आपकी स्टेटिस्टिक्स की बुक है उसका टॉपिक है कोरिलेशन, जिसको हिंदी में आप सहसंबंध नाम से भी जानते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरिलेशन क्या है और फिर हम बात करेंगे कि कोरिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं या फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, स्कैटर डायग्राम क्या होता है, इस तरह की चीजों को फिर हम आगे डिस्कस करेंगे. तो सहसंबंध क्या है? जब भी हम मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं या रिसर्च स्टडीज करते हैं तो जो हमारा जो रिसर्चर होता है उसके पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में क्या निकालना है, क्या उसको फाइंड आउट करना है, इसके लिए उसके पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं. जैसे कि कुछ रिसर्चर जो होते हैं कुछ वेरिएबल के बीच में डिफरेंस निकालना चाहते हैं, कई बार जो रिसर्चर होते हैं वो वेरिएबल्स के बीच में कंपेरिजन करना चाहते हैं या उनका बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं. तो कई बार जो रिलेशन निकालने की बात आती है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे जुड़ा है या कुछ वेरिएबल आपस में कैसे जुड़े हैं, तो उस स्थिति में हम किसका यूज करते हैं? कोरिलेशन का यूज करते हैं, जिसे हम कोरिलेशन रिसर्च के नाम से भी जानते हैं. तो कोरिलेशन होता क्या है, कोरिलेशन क्या है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इंग्लिश एंड इंग्लिश के अकॉर्डिंग कोरिलेशन इज अ रिलेशनशिप और डिपेंडेंस. It is the fact that two things or variables are so related that change in one is accompanied by corresponding or parallel change in other. यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक वेरिएबल में कुछ चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में खुद ब खुद चेंज आ जाता है और वो चेंज जो होता है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों वेरिएबल आपस में डिपेंडेंट हो रहे हैं एक दूसरे पे. यानी कि एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है, दूसरे में चेंज हो रहा है तो पहले वाले में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है. तो ये जो चेंज होता है या मतलब जो डिपेंडेंसी होती है ये इनके बीच के रिलेशन को दिखा रही है और इसी को हम कहीं ना कहीं कोरिलेशन के नाम से जान रहे हैं, यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे रिलेटेड है. अब ये जो कोरिलेशन है, इस कोरिलेशन को जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हम एक कोफिशिएंट को निकालते हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं सहसंबंध गुणांक. सहसंबंध को निकालने के लिए सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कोरिलेशन कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं. और ये कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टैटिस्टिकली एक नंबर है जो कोरिलेशन को डिफाइन कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा है. तो अगर हम गिलफोर्ड की डेफिनेशन की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ सिंगल नंबर दैट टेल अस टू व्हाट एक्सटेंट टू थिंग्स आर रिलेटेड, टू व्हाट एक्सटेंट वेरिएशन इन वन गो विद द वेरिएशन इन अनदर. यानी कि एक ऐसा सिंगल नंबर जो हमें ये बता रहा है कि कैसे किस एक्सटेंट तक दो वेरिएबल आपस में कनेक्टेड हैं या रिलेटेड हैं, कैसे एक वेरिएबल में कुछ चेंज होने से या जो भी परिवर्तन होने से दूसरे वेरिएबल में भी परिवर्तन हो रहे हैं. तो ये हो गया कोरिलेशन कोफिशिएंट. अब कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है, क्योंकि वो एक सिंगल नंबर है तो उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं. कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है उसकी वैल्यू हमारी एक स्केल, एक रेंज के बीच में आती है जो कि -1 से +1, यानी कि -1 से +1 के बीच में ही कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यूज जो है वो निकल कर आएगी. जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो इसकी जो रेंज है उसमें हम इसको इतने पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. -1 से +1 आप देख रहे हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है. अब जो यहाँ पे ये -1 है ये आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को दिखा रहा है और जो आपका +1 है ये आपकी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को दिखा रहा है. ये आपका हो गया परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. अब इसके बीच की जो वैल्यूज है उनको हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उनकी स्ट्रेंथ को उस अकॉर्डिंगली हम जो उनको हम वो कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या कितने स्तर का ये स्ट्रेंथ इसकी क्या है. जैसे कि अगर 0 आ गई दोनों की बीच की वैल्यू तो उसको हम 0 कोरिलेशन बोलते हैं. यानी कि हम कह रहे हैं कि दोनों वेरिएबल के बीच में किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है या एक वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है वो दूसरे वेरिएबल को किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं कर रहा है. अब अगर हम पॉजिटिव साइड को चलते हैं तो अगर ये 0 के करीब है तो इसको हम वीक मानते हैं, जितना मिड में जाता है तो हम मॉडरेट लेवल का मानते हैं और जितना ये प्लस की तरफ +1 की तरफ जाता है तो उतना हम इसकी स्ट्रॉन्ग परफेक्ट कोरिलेशन इसको मानते हैं. क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया तो 0.50 को अगर हम देखें तो हम इसको मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन बोल सकते हैं. अगर 0.25 को अगर हम देख रहे हैं प्लस में तो इसको हम वीक पॉजिटिव कोरिलेशन बोल सकते हैं. और वैसे इनके बीच की जो वैल्यूज है उनको भी हम नेग्लिजिबल, मॉडरेट, हाई, वेरी हाई इसमें क्लासिफाई करते हैं. और अगर हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे -0.50 को हम मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे और -0.25 को हम वीक नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे. तो वही -1 जो हमारा है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में आ जाएगा. तो इस तरीके से हम इनकी जो स्ट्रेंथ है इनको यहाँ पे निकालते हैं. अब इस क्लासिफिकेशन के द्वारा हम जो भी हमारा जो रिजल्ट आता है, जब भी कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल के आता है तो हम बताते हैं कि हमारा जो दो वेरिएबल है आपस में वो किस डिग्री तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या उनके बीच में किस स्तर का कोरिलेशन है, क्या बहुत जो कोरिलेशन है वो बहुत वीक है
तो हो सकता है कि वो किसी थर्ड जो वेरिएबल है उसका भी वहां पे इफेक्ट पड़ रहा हो. अगर बहुत अच्छा कोरिलेशन है तो वो उनके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को यहाँ पर दिखाएगा. अब यहाँ पे हम अगर बात करें डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन की, कई बार आपका जो क्वेश्चंस एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कोरिलेशन को लेकर, एक अच्छा क्वेश्चन आता है, पूरा बड़ा क्वेश्चन भी आपका आता है जो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपकी सारी चीजें पूछी जाती है. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कई बार आते हैं तो उसमें आपकी डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन को कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन को बताइए, या फिर जो स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन है उसको समझाइए, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन को समझाइए. तो डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन में हम यहाँ पे बात करेंगे कि कोरिलेशन जो है वो कितने डायरेक्शन में जा सकता है. तो जैसे हमने पहले भी यहाँ पे देखा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन होगा या फिर जीरो कोरिलेशन होगा. अब पॉजिटिव कोरिलेशन किसे कहेंगे, जब भी दो वेरिएबल में इस तरीके का रिलेशन होगा कि एक वेरिएबल में अगर जो चेंज हो रहा है यानी कि वो इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज ही होगा, और दूसरा एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज ही होगा. यानी कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरे में भी सेम इफेक्ट पड़ रहा है और दूसरे वेरिएबल में वही चेंज आ रहा है, तो उसको हम परफेक्ट सॉरी पॉजिटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हाइट और वेट, अगर दो वेरिएबल, तो अगर पर्सन की हाइट बढ़ती है तो हम बोलते हैं ऑटोमेटिकली उसका वेट भी बढ़ता है. जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे वेट बढ़ रहा है, यानी कि एक वेरिएबल में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज हो रहा है. तो इस सिचुएशन में ये जो वेरिएबल के बीच में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है. ऐसे अगर आप दूसरे एग्जाम्पल ले लें कि जैसे अभी हाल के एग्जाम्पल लें तो जैसे टोमेटो के प्राइस जो है इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्राइस सॉरी अगर हम देखें कि प्रोडक्शन की बात करें कि अगर किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसकी जो डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं, या वो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है. अगर मान लीजिए आप एक एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं कि एक एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो लैंड का साइज जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा उसकी प्रोडक्शन उतनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी. तो जैसे जैसे लैंड का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ती जा रही है. तो उनके बीच में भी हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन को देख सकते हैं. ऐसे हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो नेगेटिव कोरिलेशन में दो वेरिएबल के बीच में ऐसा रिलेशन होता है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा, या फिर दूसरा वेरिएबल के डिक्रीज होने से पहला वेरिएबल जो है वो बढ़ेगा. तो इनके बीच में क्या अपोजिट रिलेशनशिप आ गया, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है. तो ऐसे जो रिलेशन होता है, ऐसा जो रिलेशन होता है उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं. जैसे एग्जाम्पल हम ले लें कि जैसे हम हाइट माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ हमारा जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता दिखता है. यानी कि हम जब पहाड़ों में जाते हैं, हाइट में जाते हैं, तो हमें ठंडा फील होता है. यानी एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ क्या, और टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज डाउन जा रही है. तो इस सिचुएशन को हम क्या कह रहे हैं, ये नेगेटिव कोरिलेशन का उदाहरण हम कह सकते हैं. फिर जब भी मैं एग्जांपल दे रही थी टोमेटो वाला, उसमें हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं टोमेटो का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है, हम उसको लेने के लिए कम जा रहे हैं. तो टोमेटो का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कम होती जा रही है, तो इसमें भी क्या रिलेशन हम देख रहे हैं इनके बीच में, नेगेटिव कोरिलेशन को देख सकते हैं. इसी तरीके से थर्ड हमारा आता है जीरो कोरिलेशन. जीरो कोरिलेशन तो आपको पहले भी जैसे बताया कि जब दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, एक में चेंज दूसरे में इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम जीरो कोरिलेशन मान के चल सकते हैं. जैसे एग्जांपल ले लिया हमने हाइट और इंटेलिजेंस का, तो अगर एक बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो उसके इंटेलिजेंस में क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. या डिफरेंट डिफरेंट हाइट के जो पर्सन होंगे उससे क्या उसका क्या कोई रिलेशन इंटेलिजेंस से होगा, नहीं. लगभग जो स्टडीज उनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता है. तो इनके बीच में हम जीरो कोरिलेशन मान के चलते हैं कि हाइट का इंटेलिजेंस से कोई रिलेशन नहीं है, इनके बीच में जीरो कोरिलेशन या जीरो सहसंबंध है. तो सकारात्मक सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध इसको हम हिंदी में बोलते हैं. अब हम बात करते हैं स्कैटर प्लॉट्स की. जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तो कोरिलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्कैटर प्लॉट्स का यूज करते हैं. यानी कि एक्स और वाई वेरिएबल जो आपके होते हैं उनको आप यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो वो स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में निकल के आते हैं. और वही आपकी जो स्कैटर प्लॉट होते हैं वो ग्राफिकली हमें दिखाते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, क्या पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है, नेगेटिव रिलेशन आ रहा है या नो रिलेशन आ रहा है. तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्कैटर प्लॉट क्या है. A scatter plot is a graphical display that shows the relationship or association between two numerical variables which are presented as points or dots for each pair of scores. यानी कि जब आप कोई भी x variable ले रहे हैं और y variable ले लें तो ये x और y variable की कुछ value होंगी. जैसे मान लीजिए x variable 10 है तो दूसरा variable 20 है, तो इसको आप graph में present करते हैं तो उससे आपका scatter plot बनता है. अगर मान लीजिए हमने जैसे पहले एग्जांपल लिया था पॉजिटिव कोरिलेशन का, तो हमने हाइट और वेट की बात करी थी. तो अगर हमने हाइट ले ली यहाँ पे और यहाँ पे हमने वेट ले लिया, तो आप देखेंगे जब हाइट कम थी तो वेट भी कम था कहीं पे यहाँ पे आया, जब हाइट थोड़ी बढ़ी तो वेट भी बढ़ा,
फिर इस तरीके से पढ़ते गया तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से यहाँ पे बनते जाएगा। और ये जो स्कैटर प्लॉट्स हैं ये आप देख रहे हैं कहीं ना एक लीनियर फॉर्म में आ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो जो हमने देखा था कि अगर यहाँ पे किसी चीज के प्राइस की बात करें और उसकी डिमांड की बात करते हैं तो प्राइस कम था तो डिमांड कहीं हाई होती है, यानी कि इस तरीके से आएगा प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा तो डिमांड कम होती जाएगी, प्राइस और बढ़ा तो और डिमांड कम होगी, प्राइस और बढ़ा तो और डिमांड कम होगी। तो ये जो इनका जो स्कैटर प्लॉट है इसने हमें क्या शो किया, एक नेगेटिव कोरिलेशन को शो किया। अब अगर हमने जो हमने थर्ड एग्जांपल लिया था यानी कि हाइट और इंटेलिजेंस का जो हमने एग्जांपल लिया था उसको हम लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी हाइट आ गई, यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस, या फिर अगर हम आई क्यू मेजर करें तो हम आई क्यू यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आपने देखा कि जैसे हाइट है मतलब इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो अगर इतनी हाइट वाले का हो सकता है इतना इंटेलिजेंस हो, इतनी हाइट वाले का इतना इंटेलिजेंस हो, कोई इतनी हाइट वाला है तो उसका इतना इंटेलिजेंस है, कोई इतनी हाइट वाला उसका इंटेलिजेंस है इतना है, तो इस तरीके का कुछ स्कैटर प्लॉट बन के आ जाएगा जिसमें हम देखेंगे कि कोई लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं दिख रही है, यानी कि इसको हम बोलते हैं जीरो कोरिलेशन, यानी कि बीच में नो रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से ये स्कैटर प्लॉट जो है ये हमें बताता है कि कोरिलेशन कैसा है, विजुअली हमें ये एक्सप्रेस करता है कि जो कोरिलेशन है वो कैसा आ रहा है। अब जब हमने स्कैटर प्लॉट को देख लिया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन की बात करी थी और उसमें हमने रेंज देखी थी, तो हम यहाँ पे इसको इजिली डायग्राम से समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन जो है, अब पहले वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि स्कैटर प्लॉट जो है स्ट्रेट आए हैं, तो एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को दिखा रहे हैं, यानी कि वन वैल्यू जो है उसका तो जो स्कैटर प्लॉट बन के आएगा वो कुछ इस तरीके का बन के आएगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग मतलब परफेक्ट से थोड़ा कम पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है 0.9 के आसपास आपकी वैल्यू है, तो वो आप देख रहे हैं स्कैटर प्लॉट थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन लगभग लगभग एक लीनियर स्ट्रेट लाइन वहां पे जा रही है। उसी तरीके से थोड़ा सा और वीक हुआ तो थोड़ा सा स्कैटर प्लॉट और स्कैटर हुए, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट पॉजिटिव जो ग्राफ है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपको यहां से पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप इनमें दिखा रहा है, जीरो कोरिलेशन जो आया उसका आपने देखा कि स्कैटर प्लॉट्स पूरी तरह से बिखर गए। वहीं पे आप वीक नेगेटिव में आप देख रहे हैं थोड़ा बिखर रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि नेगेटिव कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग में थोड़ा कम बिखर रहे हैं लेकिन आपको दिख रहा है कि एक तरीके का नेगेटिव कोरिलेशन है। और जब परफेक्ट आया तो परफेक्ट में आपको एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल गई। अक्सर जब हमारी बड़ी रिसर्च स्टडीज होती है तो वहां पे परफेक्ट कोरिलेशन जो होता है इतना बेहतर तरीके से इसका ग्राफ नहीं बन पाता है, स्कैटर प्लॉट नहीं बन पाता है। तो कुछ इस तरीके की रिलेशनशिप भी अगर हमें शो होती है तो हम उसको एक परफेक्ट सॉरी पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन में उसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की, तो टाइप्स में मैं आपको पहले बताऊंगी कि जब हम कोरिलेशन की टाइप्स की बात करते हैं तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक तो क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव कोरिलेशन जो होता है आपके उसमें आपने जो अभी पढ़े थे पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन, क्वांटिटेटिव कोरिलेशन में ये तीनों कोरिलेशन आते हैं जिसको हम अभी समझ चुके हैं। क्वालिटेटिव कोरिलेशन की जब बात आती है तो क्वालिटेटिव कोरिलेशन में हमारे लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर या फिर कर्व लीनियर कोरिलेशन, इस ये दो तरीके की कोरिलेशन इनको हम मानते हैं। अब लीनियर कोरिलेशन क्या है, व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ मेजर इज लीनियर दैट इज इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रेट लाइन, द कोरिलेशन बिटवीन स्कोर्स मे बी एक्सप्रेस बाय अ प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिनोटेड बाय आर, ये अकॉर्डिंग टू गैरेट ये कहा गया। यानी कि जब भी हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में ऐसा रिलेशन होगा कि उनको लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकेगा, जैसे हमने हाइट और वेट के उसमें देखा था कि वो लीनियर प्रेजेंट हो पा रहे हैं, तो वो एक क्या है लीनियर कोरिलेशन उसको बोला जाएगा। अगर कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं तो वो नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर होंगे, जैसे जीरो कोरिलेशन में तो पूरी तरीके से बिखर गया था। लेकिन कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहां पे ऐसा होता है कि एक वेरिएबल एक स्तर तक जाके बढ़ता है और कुछ टाइम बाद वो वेरिएबल में जो रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन आया शुरू में और कुछ टाइम बाद उसमें नेगेटिव रिलेशन शुरू होने लगा, तो वो एक तरीके से कर्व का फॉर्म ले लेता है, तो उसको हम कर्वी लीनियर कोरिलेशन कह सकते हैं, नॉन लीनियर कोरिलेशन कह सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब लीनियर कोरिलेशन होता है तो जो एक्स और वाई वेरिएबल है
उनके बीच में जो चेंज का रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, जैसे कि एक्स वेरिएबल 1 था तो ये 10 रहा, एक्स वेरिएबल 2 हुआ तो ये 20 हो गया, एक्स वेरिएबल 3 हुआ तो ये 30 हो गया। तो आप देख रहे हैं इनके बीच का जो रेशियो है वो कांस्टेंट चल रहा है, लेकिन जो नॉन लीनियर कोरिलेशन होगा उसमें उनके बीच का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई है, तो एक्स की वैल्यू अगर 1 थी तो वाई की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 2 हुई तो वाई की वैल्यू 15 हो गई, एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 25 हो गई। उसके बाद x की वैल्यू अगर 4 है तो आपने देखा कि फिर से वो 35 के आसपास 32 चली गई या 33 चली गई, ठीक है। 5 आया तो उसकी वैल्यू फिर से 15 हो गई, फिर उसके बाद 6 आया तो 10 हो गई, फिर 7 आया तो फिर उसके बाद 5 चली गई। इस तरीके से आप देख रहे हैं बड़ा और घट गया। तो अगर मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कर्वलीनियर कोरिलेशन का कि वर्क आउटपुट, आप एज और वर्क आउटपुट को ले लीजिए तो उनमें आप कैसा रिलेशन देखते हैं कि एक एज के जैसे जैसे बच्चे से आप एडल्टहुड में आते हैं तो आपका जो वर्क आउटपुट है वो बढ़ता है, यानी कि आप जब मिड एडल्टहुड में आते हैं या आप अपने मिडिल एज में आते हैं 40s के आसपास आते हैं तो वहां पे आपका पूरा फुल वर्क आउटपुट आपका होता है, लेकिन जैसे जैसे फिर एज इंक्रीज होती है तो वर्क आउटपुट फिर से डिक्रीज होने लगता है। तो उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से जाएगा कि यहाँ पे एज है, यहाँ पे हमारा वर्क आउटपुट है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे शुरू में एज बढ़ी तो हमारा वर्क आउटपुट बढ़ता गया, लेकिन बाद में एज जब बहुत ज्यादा होने लगी, आप 60s में आ गए 70s में आ गए तो वर्क आउटपुट नीचे जाने लगा। तो ये एक तरीके से क्या है, नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर रिलेशनशिप इनके बीच में शो हो गया। तो ये थे आपके कोरिलेशन की टाइप, यानी कि क्वांटिटेटिव कोरिलेशन, क्वालिटेटिव कोरिलेशन। क्वांटिटेटिव के अंदर हमने पढ़ा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कोरिलेशन, एंड क्वालिटेटिव के अंदर हमने पढ़ा लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कोरिलेशन, और बाकी हमने कोरिलेशन को समझा, कोरिलेशन कोफिशिएंट को समझा, स्कैटर प्लॉट को समझा। तो कोरिलेशन के विषय में आज हम इतना पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने की कुछ मुख्य तरीकों को। अभी के लिए थैंक यू।